आपल्या सर्व नवी मुंबईकरांसाठी भूषणावह आहे. ही परिषद आयोजित करण्याचा मान डी मंगेश आंबले इनिशिएटिव्ह या व कार्यकारिणीला देण्यात आला. याबद्दल मी समाजातील जे वेगवेगळे घटक आहे ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा व पाठबळ दिले त्यांचे मी धन्यवाद मानतो. आज अशी परिस्थिती आहे की आपला देश जाती व धर्म यामध्ये विखुरलेला जात आहे. यावेळी सामाजिक ऐक्य परिषद आयोजित करून समानता व ऐक्याचा विचार देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. यावेळी सर्व जाती धर्माच्या मंगेश आंबले यांनी दिली. देशातील पहिल्या सामाजिक ऐक्य परिषदेचं आयोजन नवी मुंबई शहर करत आहे. समाजातील वेगवेगळ्या जाती धर्माची लोक या कार्यक्रमासाठी अपेक्षित आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने या कार्यक्रमास आम्ही आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि या कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद या परिषदेचं अध्यक्षपद आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब भूषवणार आहेत. या कार्यक्रमाचा उद्देश देशामध्ये सामाजिक एकता एकात्मता रुजवणं आणि ऐक्य निर्माण करणे हा असणार आहे. सामाजिक ऐक्य परिषद जो हमने आयोजित करी है ये देश की पहली ऐसी सामाजिक ऐक्य परिषद है जिसका आयोजन करने का सम्मान नवी मुंबई शहर और मेरे कार्यकारिणी को प्राप्त हुआ है. इस कार्यक्रम का अध्यक्ष पद जो है इस परिषद का अध्यक्ष पद जो है आदरणीय शरदचंद्र पवार साहब अध्यक्ष पद पे आदरणीय शरदचंद्र पवार साहब रहेंगे और हजारों के संख्या में पूरे महाराष्ट्र से इस परिषद के लिए लोग आने वाले हैं. अगर हम देखें तो कुछ सालों में हमने अपने संविधान का अवलोकन हमारे व्यवहार में नहीं किया है ऐसा दिख रहा है. बहुत बार जो चर्चा समाज में हो रही है वो जात धर्म और प्रदेश की हो रही है. आज से कुछ साल पीछे अगर हम जाएं तो इस तरह का माहौल नहीं था और मुझे लगता है कि सोशल रिफॉर्मेशन होना चाहिए और इसके लिए एक मूवमेंट होनी चाहिए और उस मूवमेंट का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं सामाजिक ऐक्य परिषद के रूप में. क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी को अपील करना चाहूंगा कि समाज में एकता और समानता बनाए रखें और इस देश को आगे ले चलें.